हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम सी uh, के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन 2005 से पूछे जाते हैं और uh, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट uh, बेस्ड होते हैं और uh, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको डायरेक्टली डिफाइन uh, नहीं होंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में डिफाइन नहीं है पर आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया क्योंकि तो वो एन सी को कभी नहीं पढ़ते जिसकी वजह से उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती और एन सी की जब मैंने सीरीज़ कराई थी तो उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपके साथ डिस्कस करा कराई था और मैंने ये भी कहा था कि मोर देन सिक्सटी फाइव परसेंट जो क्वेश्चन सी में पूछे जाते हैं वो एन सी से पूछे जाते हैं है ना वो उस वीडियो में मैंने सारी बातें करी थी अब जो हमारा फोकस रहेगा वो सी डी पी पे रहेगा कि किस तरह से सी डी पी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली तो वो हम डिस्कस uh, करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 से लेकर 2011 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पेपर वन पेपर टू तो वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके तो आज ये पहला वीडियो है जो पहला क्वेश्चन uh, जो हम पेपर uh, हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर टू का पेपर टू तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस को आप मिस कर देते हैं जो सिलेबस में नहीं डिफ़ाइन होते नहीं समझ में आता कि कहाँ से आ गए क्वेश्चन कहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो आज हम आ, देखेंगे डिस्कस करेंगे और वो एन सी से पूछे जाते हैं ओके okay? मैं बार बार वही चीज़ कह रही रिपीट कर रही हूँ तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहला क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज़ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज तो जैसे कि हमने जब एन 2005 फाइव जब हमने करा था तो ये बात मैंने आपसे कही थी कि जो पहले हमारा ट्रेडिशनली जो अप्रोच फॉलो होती थी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ओके okay, क्लासरूम में जो फॉलो होती थी अब जो नई अप्रोच है वो क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जिसमें लर्नर को इम्पॉर्टेंस दी जाती है उसकी नेचुरल एबिलिटी को एनरिच किया जाता है बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और वो करता कैसे है जो सबसे जो ये अप्रोच है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल uh, जो है वो चीज़ वो क्या है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज के लिए तो बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है ना जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है चीज मैंने आपको डिस्कस करी थी कि बच्चा जब क्लासरूम में आता है तो वो ब्लैंक स्लेट नहीं आता कभी भी वो अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर के आता है और ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें भी ये बात कही आ, कही गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इसलिए इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ताकि एक फाउंडेशन ऑफ लर्निंग क्रिएट हो राइट जब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो जैसे कि मैंने बात करी कि दो चीज़ें होती हैं एक तो लर्नर इंडिविजुअल करता है है ना अपना प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है और दूसरा कोलाबोरेटिव लर्निंग मतलब जो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू मतलब कि एक क्लासरूम है वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लर्नर हैं वो अपने मल्टीपल व्यूज़ शेयर करेंगे क्लासरूम में और बच्चा फिर उनसे सीखेगा और फाइनली दे रीज़ टू अ कलेक्टिव डिसीजन मतलब सोशली इंटरेक्ट करके भी अ, बच्चा जो इंडिविजुअल है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट है ऑप्शन ए बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत है क्योंकि रिपीटेटिव रिकॉल करना मतलब कि वही रोट मेमोराइजेशन हो गया ये तो आ, सी जो है रिवॉर्ड और एंड पनिशमेंट इसके थ्रू क्या होता है बच्चा एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन उसको मिलती है जबकि हमारा फोकस किस पे डेवलप करना है इंट्रेंसिंग मोटिवेशन को जो बच्चों की बच्चे की नेचुरल एबिलिटी है उसको आ, इन्हेंस करना फिर लास्ट में जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्सोश एसोसिएशन है वो कौन सा है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ठीक है तो हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट यहां पर आंसर है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करता है डेट इज ऑप्शन ए ओके सो नेक्स्ट यहां पर है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम पहले प्रो, आ, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब होता है कि एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे जो लर्नर है उसकी उसके एक्सप्रेशन को इम्पॉर्टेंस दी जाती है जो लर्नर मतलब एक तरह से चाइल्ड सेंटर पैडागॉजी जहाँ पे चाइल्ड जो लर्नर है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है आ, उसको ध्यान में रख के चीज़ें की जाती है ओके okay, तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या चीज़ होती है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर नॉलेज इज़ रिसीव्ड पैसिवली पैसिवली बाय द लर्नर या फिर नॉलेज रिप्रोड्यूस करता है लर्नर या फिर नॉलेज इज रिकॉल बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शन तो जो ऑप्शन बी सी एंड डी है ये क्या शो कर रहे हैं कि एक मतलब लर्नर है टीचर कुछ बता रही है और लर्नर उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहा है तो दैट इज नॉट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दैट इज नॉट द ए्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम यहाँ पे क्या है इन तीनों ऑप्शन में क्या शो कर रहा है कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है जबकि ऑप्शन ए में लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज मतलब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का आ, को से रिलेटेड कौन सा है ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय क्रिएटिव लर्नर्स मतलब जो कुछ नया सोचे कुछ अपना मतलब जो उनका खुद का ओरिजिनल आइडियाज़ है अपने आप को एक्सप्रेस करे ओके दैट इज़ दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव लर्नर तो टीचर कैसे इंक्रेज कर सकती है क्लासरूम में इसको एम्फेसाइज कर सकती है कन्वर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज कर सकती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को अब यहाँ पे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है कि uh, किसी ने कुछ uh, बताया और उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देना खुद का कुछ नहीं सोचना खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करना ओके okay, या फिर किसी एक किसी प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेकर के चलना दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है जब जो लर्नर है वो खुद को खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस करे एक एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे है ना डैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन थिंकिंग तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कन्वर्जन थिंकिंग को इनहेंस करो इंफेसाइज़ करो बी क्या कह रहा है कि डाइवर्जन थिंकिंग को डिस्करेज करो सी इंकरेज करना चाहिए मल्टीपल परसपैक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ऑरिजिनल आइडियाज़ तो ऑप्शन सी इज़ राइट है ना क्रिएटिव लर्नर्स क्रिएटिविटी होता ही क्या है कि जो बच्चा है उसके ओरिजिनल आइडियाज़ को अप्रीशिएट किया जाए क्लासरूम में अलग अलग परस्पेक्टिव को इंक्रेज किया जाए हर एक लर्नर का अपना परस्पेक्टिव होता है और सबको इम्पॉर्टेंस uh, दी जानी चाहिए क्लास में ओके और डी ऑप्शन तो वैसे uh, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही है अगर हम डी ऑप्शन देखें तो वो भी क्या कह रहा है डिस्करेज करना चाहिए रिस्क टेकिंग अंडरटेकिंग चैलेंजेस उसको डिस्करेज करना चाहिए जब तो बच्चा खुद रिस्क नहीं लेगा चीज़ों को खुद से नहीं करेगा है ना तो क्रिएटिविटी uh, उसके अंदर नहीं आ पाएगी तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज डेट पीपल फ्रॉम हिज ग्रुप सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक तो इस तरह का जो स्टीरियोटाइप है जो थ्रेट है उसको टीचर कैसे हटा सकती है क्लासरूम में बच्चे हैं उनको एक पार्टिकुलर सोशल ग्रुप है तो उसको कहा जा रहा है कि इस ग्रुप के जो लोग होते हैं वो जो एकेडमिक होता है एकेडमिक जो पार्ट होता है उनका काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसको टीचर कैसे हटा सकती है क्या क्या स्टेप लेगी इग्नोर कर देगी ऐसे कंसर्न को ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पटिशन कॉम्पटिशन करवाएगी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में और सजेस्ट करेगी स्टूडेंट को कि वो अकेडमिक को छोड़ ही दे है ना और कोई और जो डोमेन ज्वाइन कर ले या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देगी स्टोरीज़ बताएगी रोल रोल मॉडल्स की स्टोरीज़ बताएगी जो उनके ग्रुप से होंगे या डिफरेंट सोशल ग्रुप से होंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन डी अगर टीचर इग्नोर कर देगी तो वो चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी या कॉम्पिटिशन करवाएगी तो कॉम्पिटिशन से तो कुछ प्रूव नहीं होगा ना एक चीज़ तो uh, फ़ेल होगी और एक चीज़ जीतेगी तो कंपटीशन से कोई वो नहीं होगा क्योंकि फेल एंड पास तो चला चलता रहता है तो इससे ये तो प्रूव नहीं होगा ना स्टीडियो तो खत्म नहीं होगा या फिर अगर वो इस लीव करने के लिए बोल दे एकेडमिक्स को या ज्वाइन कर ले दैट इज द मोस्ट वर्स्ट है ना स्टेप uh, तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन डी कि एग्जाम्पल शो कर सकते हैं कि उनके सोशल ग्रुप में से भी काफ़ी ज़्यादा रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने अपनी अकेडमिक को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है अपने अकेडमिक में ओके ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सी सी ई इंक्लूड्स जब हमने असेसमेंट और इवेल्यूएशन का चैप्टर करा था तो हमने बात करी थी इसके बारे में तो यहाँ पे दिया है कि क्या इंक्लूड करता है सी सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ना ही फॉर्मेटिव ना ही समेटिव या फिर दोनों तो हमने बात करी थी कि जो कंटिन्यूस एंड कम कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूशन है उसमें फॉर्मेटिव मतलब कि जो डे टू डे जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं है ना तो वो भी इंक्लूड होता है और समेटिव असेसमेंट भी इंक्लूड होता है तो ऑप्शन डी इज़ राइट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम ओके मीनिंगफुल लर्निंग कैसे सपोर्ट कौन सा फैक्टर सपोर्ट करता है अगर हम नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज़ कर दें टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न इंक्रीज़ कर दे रिवॉर्ड्स वही चीज़ है ना टू मोटिवेट चिल्ड्रन चिल्ड्रन टू लर्न फॉलो करें सिर्फ लेक्चर मेथड उस या फिर हम जेनुअन इंटरेस्ट शो करें जो भी चीज़ है और मतलब कंटेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसको अच्छे से बढ़ाएं और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें तो मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या है जो एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव कहता है, है ना मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कि क्लासरूम में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए नॉट ओनली ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट या फिर कॉगनेटिव डेवलपमेंट उसके हर एस्पेक्ट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे उसके ध्यान दिया जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन डी ओके नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा है ना उससे बच्चों की लर्निंग नहीं पता चलेगी क्योंकि बच्चा रोड पेमोराज मेमोराइज करके भी चीज़ों को आ, आ, नंबर ऑफ टेस्ट को जो भी मतलब टेस्ट लेगी टीचर उसको कंप्लीट कर सकता है अच्छे से कर सकता है परफॉर्म तो उससे उसकी लर्निंग नहीं पता चलेगी या फिर अगर उसको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे तो वो क्या होगा एक तरह का एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हो गया जिस जिसपे हमने बात करी थी लेकिन हमको क्या एनरिच करना है बच्चे का इंट्रेंसिक मोटिवेशन ओके फिर नेक्स्ट यहाँ पर है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में भी हमने बात करी थी ओके तो टीचर को क्या करना चाहिए टीचर के क्या कर सकता है बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ कि हर जो भी चाइल्ड है जो भी जिस भी तरह का लर्नर है क्लासरूम में क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होता है कि हर तरह का लर्नर वहाँ पर होता है है ना डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड ओके डिफरेंट लर्निंग नीड्स तो हर तरह का लर्नर क्लासरूम में मिलेगा तो टीचर के अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और वो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को सीख सकता है सेकेंड ऑप्शन है बच्चों पे टू शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी दया करना बच्चों पे सिंपैथी दिखाना कि वो डिसेबल्ड हैं क्योंकि डिसेबल बच्चा भी होगा क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम है ना या फिर बच्चों को हैंडी uh, कैप और रिटार्डेड चाइल्ड इस तरह से कैटेगराइज करना उनको या फिर सिर्फ उन्हीं बच्चों पर अटेंशन देना जो गिफ्टेड और टैलेंटेड है तो इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें हर बच्चे पे ध्यान देना है हर बच्चों की नीड के नीड्स पर ध्यान देना है उस हिसाब से बच्चों की लर्निंग करवानी है ठीक है तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है कि टीचर को बिलीव होना चाहिए कि हर बच्चे के पास पोटेंशियल है और हर बच्चा लर्निंग टास्क में पार्ट ले सकता है अपनी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के हिसाब से और हमें उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ओके सो ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट है अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय किस तरह से जो स्पेशली एबल लर्नर्स है उनकी नीड को किस तरह से एड्रेस कर सकती है टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में इम्फेसाइजिंग अप ऑन प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रैक्टिस एंड ड्रिल करवा सकती है यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू तो ये uh, चाहे किसी भी तरह का लर्नर है प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग मैथड यूज नहीं होता डैट इनक्रेज uh, uh, एक तरह से किसको इंकरेज करता है प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड ये इंकरेज करता है रोड मेमोराइजेशन को तो इसको तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए क्लासरूम में फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चे के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन कर, यूज़ करना एक ही तरह की पैडागोजी मैथड यूज़ करना गिविंग अ लॉट ऑफ राइटिंग होमवर्कस एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट या फिर जो और ब्राइट स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी से बच्चों को बोलना कि तुम होमवर्क उनको लिखने के लिए देना या कॉपी करने के लिए बोलना उनकी उसमें से डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑनलाइसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस या हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बाद उनके उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से लर्निंग ऑब्जेक्टिवस बनाना तो जो हमारा जो हमारा जो पैडागॉजी है वो किस पर फोकस करता है कि हमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी पैडागॉजी करनी है हर बच्चे की अलग अलग नीड्स हैं हर बच्चे का इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है उस हिसाब से फिर हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने होते हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन डी व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेट एक्टिविटी होता है ना कई बार ऐसा कि बच्चों को रिवॉर्ड दिया जा, जाएगा इस चीज़ के लिए तो बच्चों को बोला जाता है आप, आपको इस ये एक्टिविटी करनी है और आपको इसके लिए ये रिवॉर्ड दिया जाएगा तो बच्चों को एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता बच्चों को जो इंटरेस्ट होता है वो रिवॉर्ड में होता है है हाँ ना तो ये जब इस तरह की चीज़ है तो दे आर लाइकली टू डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग क्यों उनके अंदर मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा कि उनको लर्निंग से कोई मतलब नहीं है बस उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उससे मतलब है इन्जॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बच्चे इन्जॉय करेंगे लर्निंग को आ, ठीक है परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड रिवॉर्ड अगर बच्चों को बोल दिया जाए कि आपको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब भी वो एक्टिविटी करेंगे या सेट मास्टरी गोल फॉर देंसिल्स रैदर देन वर्क टू प्लीज अदर या फिर उनके लिए मास्टरी गोल सेट करेगा कि आ, वो आ, दूसरों को वो रिवॉर्ड लेके ये नहीं चाहते कि वो दूसरों को प्लीज करे बल्कि वो अपने लिए करना चाहते हैं उस एक्टिविटी को तो यहाँ पर किस चीज़ को ये शो कर रहा है इस तरह का जो चीज़ है वो क्या करती है बच्चों के अंदर एक एक डेवलप कर देती है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड लर्निंग के क्योंकि ये एक्सप्रेंसिक मोटिवेशन दिया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को वो रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं लगेगा ओके okay? फिर उनको कोई और चीज़ चाहिए होगी उस एक्टिविटी को करवाने के लिए तो हमें जो ध्यान देना है वो एक्टिविटी पे देना है बजाय कि उस, उससे उसको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है ठीक है तो अगर ऐसी चीज़ हुई तो बच्चों बच्चों के अंदर मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस वेरियस फिनोमिन इन दिस बैकग्राउंड आ टीचर शुड कई बार होता है ना बच्चे अपना खुद का मिसकनसेप्शन बना के बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के कहानियाँ बनाते हैं है ना क्योंकि उनको नहीं पता होता उन्होंने वो चीज़ें सुनी होती है कहीं से तो टीचर ऐसे कि में क्या कर सकता है उनके जो कंसेप्शन हैं उनको चैलेंज कर सकता है डायलॉग के थ्रू डिस्कशन के थ्रू डिसमिस कर सकता है उनके आइडियाज़ को इग्नोर कर सकता है या बच्चों को डांटेगा तो ऑप्शन डीज़ तो बिल्कुल गलत है किसी भी तरह की पनिशमेंट बच्चों को नहीं देनी अब बच्चे के व्यूज़ को क्लासरूम में इनक्रेज किया जाना चाहिए इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि मिसकंसेप्शन दूर करना इम्पॉर्टेंट है डिसमिस नहीं कर सकते आइडियाज़ को बच्चों को डायरेक्ट uh, अगर बोल देंगे नहीं आपका आइडिया गलत है है ना लेकिन उसका उसको रीज़न नहीं बताएंगे क्यों गलत है जब जब तक बच्चों को करेक्ट रीज़न नहीं पता होगा उसके पीछे का तो वो टीचर के सामने तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बट उनके दिमाग से तो वो चीज़ नहीं जाएगी ना जो उन्होंने थ्योरीज़ और जो नेटिव थ्योरीज जो बनाई हुई है दिमाग में तो टीचर क्या सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर यह है कि टीचर उसको चैलेंज करे उनको सोचने पर मजबूर करें रीज़न दे उसके पीछे कि जो उनका कंसेप्शन है वो गलत क्यों है और वो तभी हो सकता है जब क्लासरूम एक डायलॉग क्रिएट होगा क्लासरूम में डिस्कशन का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ताकि हर बच्चा अपना अपना व्यूज़ टीचर के सामने शेयर कर सके और फिर फाइनली वो एक डिसीजन पे पहुंचे ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग कौन सी नहीं है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इंकरेज करना बच्चों को कि वो इंट्यूटिव गैस करें एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन डायलॉग एंड डिस्कशन या फिर फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज गवेन तो कौन सी नहीं है इफेक्टिव तो लास्ट ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो फोकस किस पे नहीं होना चाहिए कि बच्चों को रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज में नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चों को कुछ चीज़ बताई और बच्चा बच्चे ने जो टीचर ने डेफिनेशन बताई बच्चे ने एज इट इज़ उसको सुना दी दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज उसने अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं करा उसने चीज़ें याद कर ली जब बच्चा कोई चीज़ समझता है तो वो अपने वर्ड में उसको एक्सप्रेस करेगा ओके okay. तो रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज नॉट द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बाकी जो ऑप्शन ए है बच्चों को इंट्यूटिव गैस करने का मौका देना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे को इंट्यूटिव गैस नहीं करने का मौका दिया जाएगा तो बच्चे सोचेंगे कैसे अगर डायरेक्ट हम किसी कॉन्सेप्ट को उनको समझा देंगे और बच्चों को उसको उसके ऊपर सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा वो खुद गेस करेंगे चीज़ों को तभी चीज़ें वो समझ पाएंगे और इसके बारे में हमने बात भी करी थी इंटेलिजेंट गैस को इंकरेज किया जाना चाहिए जब हमने एनसीफ टू थाउजेंड फाइव करा था तो सारी बातें वहीं से ली गई हैं ये ओके okay, इसलिए मैं कहती हूँ अन सेफ टू थाउजेंड फाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन तो आपको पता ही है ये कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एक कंस्ट्रक्ट करे वो खुद की नॉलेज को डायलॉग एंड डिस्कशन भी सेम है हाउ कैन टीचर डील विथ चिल्ड्रन आर नॉन अट्रैक्टिव सॉरी यहाँ पे अटेंटिव होगा अटेंटिव नहीं होते क्लासरूम में तो उनको कैसे डील कर सकते हैं टीचर आज तक चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास उनको बोल दे कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ स्कोल्ड करें उन्हें डांटे टॉक टू डेम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर दियर डिस इंटरेस्ट उनको उनसे बात करें फाइंड आउट करें गिव मतलब बहुत सारा उनको होमवर्क दे तो किस तरह से हमें बच्चों से डील करना है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चों को हम डांट नहीं सकते या फिर उनको इग्नोर नहीं कर सकते ये बोल दे कि क्लास से बाहर चले जाओ उससे पता तो नहीं चला ना कि वो क्यों नॉन अटेंटिव है क्योंकि हर बच्चा नेचुरली मोटिवेटेड होता है लर्निंग के लिए बात करी थी हमने एनसीएफ 2000 में प्रॉब्लम यह है कि हम उस तरह का लर्निंग एनवायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे क्योंकि वो बच्चा ही है ना हम उस तरह का पैडागोजी मेथड यूज़ नहीं कर रहे जो बच्चों को आ, का ध्यान लगा सके क्लासरूम में सो so, हमें बच्चों से जानने की कोशिश करनी चाहिए फाइंड आउट करना चाहिए रीज़न कि क्यों वो डिसइंटरेस्टेड है क्लास में उस हिसाब से फिर हमें मेजर्स लेने चाहिए ओके सो so गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली और चाहे डायरेक्टली मतलब किसी भी तरह से एन 2005 से किस तरह से पूछे गए हैं अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है एन 2005 को पढ़ना और आज तो हमने दिसंबर 2019 का पेपर टू सॉल्व किया फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पेपर वन सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन एन 2005 से पूछे गए हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में और इस तरह से आ, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे सीक्वेंस में ओके सो so, अगर आप कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे जो भी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं पूरा डिटेल में भी नई चीज़ें करती हूँ कई बार जल्दी जल्दी में चीज़ें करनी होती हैं सो so, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं ओके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें अपकमिंग वीडियोज़ के सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय